हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है पोको F1 के परफॉर्मेंस के ऊपर। पोको F1 आप कैसे परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो, कैसे आपका यह बिना मतलब लैग के चले, बहुत ही स्मूथ चले गेम 60 FPS से। तो इस वीडियो को एंटर देखते रहना, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें बताऊँ जैसे मेरा गेम खुद का अच्छा चलता है। तो सबसे पहला चीज़ है, आपको अपना गेम वाईफाई में खेलना है। वाईफाई का मतलब है कि आप राउटर से खेलो, चाहे मोबाइल राउटर जो आता है कुछ 2000 रुपये का, या हॉटस्पॉट से खेलो किसी दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से, या वाईफाई से खेलो। तो ये तीन चीज़ें आपके पास ऑप्शन, आप किसी से भी खेलो और अपना मोबाइल को फिर फ्लाइट मोड कर दो और फिर खेलो, ठीक है। तो उससे बहुत ही अच्छा चलेगा गेम। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका जो है, आपका जो स्पेस है वो खाली रहना चाहिए। मतलब लाइक आपका 128 वाला है जैसे मेरा है, तो आपका थोड़ा खाली रहना चाहिए, कम से कम क्या बोलते हैं 50 GB खाली रहना चाहिए आपका स्पेस, एटलीस्ट 50। तो उससे आपका गेम परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। मतलब स्टोरेज खाली रखना है आपको, भरे मतलब फुल नहीं रखना है हर टाइम। और एक और चीज़, आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि स्क्रीन रिकॉर्डर का सेटिंग बताओ, तो मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर का सेटिंग। तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। और कई लोग देखो, कई लोग के डिवाइसेस में सिस्टम साउंड का ऑप्शन नहीं है, जिससे इंटरनल साउंड रिकॉर्ड होता है, तो वो नहीं है। तो आपको एक बार फैक्ट्री रिसेट कर लेना है डिवाइस को, एंड देन अपडेट आएगा। अपडेट करने के बाद आपके में आ जाएगा सिस्टम साउंड का ऑप्शन। और मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्या बोलते हैं 720 pixel 16 MBPS में रिकॉर्ड करता हूँ, और 48 FPS और 60 FPS दोनों में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और 60 FPS में एक मेरे में बग है कि ब्रेक होता है साउंड, तो मैं 48 FPS का यूज़ करता हूँ, उसमें भी अच्छा आता है, मतलब स्मूथ ही चलता है गेम, ओके। और एक और चीज़, जो भी बंदे बोलते रहते कि ब्रेक होता है साउंड, तो वो आपका कैसे फिक्स होगा? आपको 48 FPS में आपको रिकॉर्ड करना है, आपका जो है वो मतलब फिक्स हो जाएगा। 48 FPS का मतलब है बहुत ही स्मूथ, लगभग 50 FPS तक का, तो स्मूथ ही चलेगा गेम। गेम का मतलब कुछ क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा, सेम ही चलेगा। 60 FPS और 48 FPS में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कुछ 12 FPS का फ़र्क होता है। और जो है पोको में पूरा 60 FPS तो आता नहीं है, मतलब पबजी मोबाइल पूरा 60 FPS में चलता नहीं है, तो आप ये सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और कुछ बंदे डेवलपर ऑप्शन में कुछ 4XSMA में करके कुछ ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन है, उसको आप इनेबल नहीं करना है, इनेबल करके रखे होंगे कुछ बंदे, उसको भूल के इनेबल मत रखना, उससे लैग होता है गेम उल्टा, तो वो उसको आप जाके अभी बंद कर। और गाइस एक और चीज़, MIUI 11 में अगर आपका मोबाइल MIUI 11 में चल रहा है जैसे मेरा चल रहा है, तो आपको अपडेट के साथ बहुत ही अच्छा चीज़ मिला है, जो कि गेम टर्बो में मतलब बग जो भी था पहले वो फिक्स हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है MI का पोको का गेम टर्बो, तो आप उसको ऑन कर सकते हो जाके, ओके। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।